हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 22 फरवरी 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक वर्जन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विंडोज़ 10, विंडोज़ सेकंड, विंडोज़ 8, थर्ड विंडोज़ विस्टा और डी नंबर विंडोज़ 97। तो इसमें कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन नहीं है? तो राइट आंसर विंडोज़ 97। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिसका प्रयोग किसी भी सेल को एडिट करने के लिए नहीं कर सकते हैं? तो सेल को एडिट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ नहीं करते? फर्स्ट है प्रेस F2 की, बी क्लिक ऑन दी फार्मूला बार, डी सी डबल क्लिक ऑन दी सेल, डी प्रेस द अल्ट की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेस द अल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कीबोर्ड में कौन सा एक नेविगेशन की नहीं है? तो फर्स्ट होम, सेकंड डिलीट, थर्ड पेज डाउन, फोर्थ कंट्रोल। तो नेविगेशन की कौन सा नहीं है? राइट आंसर कंट्रोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राइमरी मेमोरी रैम रोम एस रैम डी रैम है, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क डीवीडी पेन ड्राइव सी है, टाइप ऑफ डीवीडी डीवीडी के प्रकार मैग्नेटिक एंड वर्चुअल डीवीडी, और डी है टाइप ऑफ रैम रैम के प्रकार एस डी रैम एंड एस रैम। तो असत्य इसमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ डीवीडी मैग्नेटिक एंड वर्चुअल डीवीडी, ये नहीं होता। नेक्स्ट, डॉट डॉट प्रकार के प्रिंटर में कागज को स्थिर अवस्था में एक पेड या ट्री में रखा जाता है, तो किस प्रकार के प्रिंटर को रखा जाता है? फ्लैट बिट प्लॉटर, ड्रम पेन प्लॉटर, बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। राइट आंसर इसका होगा फ्लैट वेड प्लॉटर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नई छवि बनाने के लिए दो या दो से अधिक चित्रों को मिलाने की तकनीकी है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नई छवि बनाने के लिए दो या दो से अधिक चित्रों को मिलाने की तकनीकी है? तो उस तकनीक को क्या कहते हैं? मॉर्फिंग कहते हैं कि मॉडलिंग कहते हैं, एनिमेटिंग कहते हैं कि रैपिंग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? मॉर्फिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम टूल है इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है? फर्स्ट है डिस्क क्लीनअप, सेकंड डिस्क डिफ्रेगमेंटर, और सी है बैकअप, डी है रिस्टोर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। राइट आंसर होगा डिस्क क्लीनअप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नेम नहीं है? तो ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नेम कौन सा नहीं है? पहला MP3, दूसरा AACS, तीसरा WAVS, और चौथा है PNG। तो इसमें से ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है? PNG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ट्रैक को आगे छोटी इकाइयों को विभाजित किया जाता है, तो ट्रैक को जो छोटी इकाइयों में डिवाइड किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं कि ट्रैक कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं, ऑल ऑफ दिस, चारों में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इन चारों में से एक इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है ओमेआर, बी ओसीआर, सी एमआईसीआर, डी डीबीडी। राइट आंसर हो जाएगा इसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वी डी यू नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर। सीपीयू अपना कार्य किन सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा नहीं करता है? मेमोरी, सीयू, एएलयू, पेन ड्राइव। राइट आंसर पेन ड्राइव। ओके, 12th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में फाइल एलोकेशन टेबल का प्रयोग सर्वप्रथम किस कंप्यूटर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? टिम पीटरसन, टिम बर्नर्स-ली, थॉमसन, एलिंग ट्यूनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम पीटरसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डॉट डॉट कहते हैं। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल सिस्टम, क्लस्टर, सॉर्टिंग मेथड, सेक्टर, सेक्टर, फाइल सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फाइल सिस्टम क्लस्टर। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्लस्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन एक्सेल मान्य नहीं है? एक्सेल में एक फंक्शन मान्य नहीं है। तो देखिए, एवरेज ए होता है, एवरेज इफ होता है, एवरेज इफ्स होता है, लेकिन ये एवरेज ए वी जी नहीं होता है। ओके, तो एवरेज होता है, बट एवरेज की स्पेलिंग पूरी रहती है, ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज होता है, लेकिन इसमें केवल 3 करेक्टर दिया है, तो ये नहीं होता है ऐसा। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए वी जी हो जाएगा। विंडोज 10 में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो शॉर्टकट कुंजी, अगर आपको नया फोल्डर बनाना है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है? राउटर्स, स्विच, एनआईसी कार्ड, ब्लू रे डिस्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू रे डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंकजेट प्रिंटर का एडवांटेज नहीं है? तो इंकजेट प्रिंटर का एडवांटेज कौन सा नहीं है? तो इंकजेट प्रिंटर का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह पर्यावरण के अनुरूप होता है, यह कम शोर पैदा करता है, यह गैर विषैले वनस्पति तेलों से बना होता है, खराब गुणवत्ता की छवि। तो कौन सा प्रिंटर का एडवांटेज नहीं है? खराब गुणवत्ता की छवि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाटा कंप्रेशन के संदर्भ में असत्य है? तो डाटा कंप्रेशन के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसमें डेटा की हानि नहीं होती है, लॉस कंप्रेशन कहलाता है। जिसमें डाटा की हानि होती है उसे लॉसी कंप्रेशन कहते हैं। लॉसी कंप्रेशन का प्रयोग इमेज, ऑडियो, वीडियो में होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा असत्य है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब कि ये तीनों ऊपर के सही हैं डाटा कंप्रेशन के संदर्भ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है इसमें देखते हैं। आइए, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट के लिए समान की का प्रयोग किया जाता है। ट्रिपल डीईएस 2 या 3 कुंजी का प्रयोग करता है। यस, डीईएस का फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड डेटा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड। इन चारों तीनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये ऊपर के तीनों सत्य हैं इनक्रप्शन के संदर्भ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। टोपोलॉजी के संदर्भ में लिखने से कौन सा असत्य है? तो टोपोलॉजी के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग
कंप्यूटर नहीं होता। बस टोपोलॉजी क्या होता है, इस टोपोलॉजी में एक तार का प्रयोग होता है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। तो इस तीनों में से असत्य कौन है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के संदर्भ में ये तीनों चीज़ें सत्य हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीन टोपोलॉजी को एक साथ बताया है, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में केवल बस टोपोलॉजी से रिलेटेड पूछा था कि बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो बस टोपोलॉजी में एक मेन तार होती है और जिसे बैकबोन कहेंगे, और इसी से तार से कई सारे सिस्टम जुड़े होते हैं, तो लीनियर रूप में जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो बस टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था, तो हमने यहाँ पर तीन टोपोलॉजी को एक साथ बताने की कोशिश किया है ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रकार की फाइल बनाता है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा था कि जस्ट इससे पहले वाले में कि पीआरजे एक्सटेंशन किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में होता है, कैसा सॉफ्टवेयर बनाता है। तो प्रोजेक्ट प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट फाइल बनती है, उसका एक्सटेंशन .prg होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो हमने इस बार क्वेश्चन चेंज करके पैटर्न बनाया है कि किस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट फाइल अवेलेबल रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर, ये विजुअल बेसिक में भी प्रोजेक्ट फाइल बनता है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .prg होता है, और ESRI डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में भी प्रोजेक्ट फाइल बनता है, और ऑडियो कैड 13 में भी प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट होता है। तो यानी कि तीनों प्रकार के सॉफ्टवेयर में PRG फाइल क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो एंड्रॉयड एंड सेंट ओएस, दूसरा है iOS एंड लाइनक्स, उबंटू और यूनिक्स, ऑफिस 365 एंड ऑफिस XP। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये फोर्थ नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉम्ब बेरर। ओके, बॉम्ब बेरर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है CPCT में कि बॉम्ब बेरर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो बॉम्ब बेरर पिछले बार एग्जाम में पूछा था कि बॉम्ब बेरर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरेट होता है या क्रिएट होता है या आता है। तो एप्पल मैसेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में बॉम्ब बेरर आता है। तो उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन क्रिएट किया है कि बॉम्ब एरर एप्लीकेशन एप्पल मैसेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाला एरर पहली बार ओरिजिनल मैसेंटोस पर कब दिखाई दिया। तो फर्स्ट टाइम कब दिखाई दिया था इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में, 1984 में फर्स्ट टाइम दिखाई दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हैंग होने की स्थिति में कीबोर्ड द्वारा कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाकर या फिर रिस्टार्ट बटन का उपयोग कंप्यूटर को दोबारा बूट कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ओके, बूटिंग जैसा कि आपको पता होगा कि बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, सिस्टम को रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग, और स्टार्ट करना अगर कंप्यूटर पहले से ही बंद है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग कहेंगे। तो बूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो वार्म बूटिंग हम कहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्म बूटिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर संवेदी डेटा कंटिजियस सेंस्ड डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग एंड क्वांटिजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रिंटर के संदर्भ में असत्य है। तो प्रिंटर के संदर्भ में कौन सा असत्य है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है CPS में मापा जाता है, इंकजेट प्रिंटर की स्पीड PPM में मापा जाता है, लेजर प्रिंटर स्पीड CPS में मापा जाता है,
द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स। तो इसका असत्य कौन सा कथन है इसमें से चारों में से? लेजर प्रिंटर स्पीड CPS। देखिए क्या होता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है तो उसका जो स्पीड होता है तो करेक्टर पर सेकंड होता है, और इंकजेट प्रिंटर का स्पीड पेज पर मिनट होता है। लेजर प्रिंटर का भी स्पीड पेज पर मिनट होता है, जबकि ये गलत है, यहाँ पे CPS लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रिंटर कौन सा था? डॉट मैट्रिक्स टाइप का प्रिंटर था। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में बोल रहा है कि कौन सा असत्य है, तो ये सी नंबर गलत है, बाकी ये तीन बचे हुए क्या हैं, सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन। आंतरिक हार्ड डिस्क का बैकअप और पर्याप्त प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विंडोज OS में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता नहीं है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट है बैकअप, सेकंड डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेमेंटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें कौन सी फैसिलिटी है? राइट आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि आंतरिक हार्ड डिस्क का बैकअप और पर्याप्त प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विंडोज OS में उपयोगिता कौन सी नहीं होती है? डिस्क, ये डिस्क डिफ्रेमेंटर होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, बैकअप होता है, परंतु ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर एप्पल कंपनी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 किसका उदाहरण है? तो कनेक्शन लेस नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क और कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो IPv4 किसका एक उदाहरण है? तो IPv4 कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम अ मेलबॉक्स। मेलबॉक्स से ईमेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा POP3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सेट बैकग्राउंड ऑफ योर वर्क डॉक्यूमेंट देन व्हिच टैब यू यूज। यदि आप अपने सब दस्तावेज की पृष्ठभूमि सेट करना चाहते हैं तो आप किस टैब को चुनते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट है होम, दूसरा इंसर्ट, पेज लेआउट, इसके बाद व्यू। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। डॉट डॉट में अक्सर कस्टम फॉर्मेटिंग और डिजाइन शामिल होते हैं, इसलिए इससे एक नई परियोजना बनाने की समय की बहुत बचत होती है। तो यानी कि जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है कि रेडीमेड या प्री डिफाइंड या प्री डिजाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिससे समय बचत होती है और आप दिए गए टेम्पलेट के आधार पर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर टेम्पलेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कमांड उपलब्ध नहीं है? तो होम के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? पहला है पेस्ट एंड स्पेशल पेस्ट, दूसरा फॉर्मेट प्रिंटर एंड क्लिपबोर्ड, तीसरा पेज कलर एंड वाटरमार्क, चौथा है क्लियर फॉर्मेटिंग एंड चेंज केस। तो इसमें से कौन सा कमांड उपलब्ध नहीं रहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेज कलर एंड वाटरमार्क। अच्छा, पेज कलर एंड वाटरमार्क पेज लेआउट में आता है। क्या पूछ रहा है, होम टैब के अंतर्गत नहीं आता है? तो होम टैब के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, बाकी ये सी नंबर नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में लिखित से किस विधि का प्रयोग सेल को एडिट करने में नहीं कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट क्लिक करें फिर एडिट करें, मतलब कि अगर राइट क्लिक करके हम एडिट सेल को नहीं कर सकते हैं, बाकी तीनों विधि के द्वारा हम सेल एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेशल पेस्ट के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेशल पेस्ट के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? स्पेशल पेस्ट के लिए हम कंट्रोल
प्लस अल्ट प्लस वी का यूज़ करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द इनकरेक्ट शॉर्टकट की विथ रिस्पेक्ट टू एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के संदर्भ में कौन सा शॉर्टकट कुंजी गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस F12, सेव एस के लिए F12, सेव के लिए शिफ्ट प्लस F12, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F3। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F3। तो गलत है इसमें डी है, बाकी ऊपर के तीन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा गलत है, पाई चार्ट डेटा की एकल श्रृंखला के लिए अच्छा होता है, कॉलम चार्ट दो उत्पादों प्रदर्शन की तुलना के लिए अच्छा होता है, लेवल डेटा प्रकार एमएस एक्सेल में नहीं है, एमएस एक्सेल में ग्राफ चार्ट मौजूद है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, तीन ऊपर के सही हैं स्टेप, लेकिन ये चौथा एमएस एक्सेल में ग्राफ चार्ट मौजूद है, ग्राफ चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं होता, तो यही गलत है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोबोल एंड फोटॉन इज डेवलप बाय व्हिच सॉफ्टवेयर कंपनी, कोबोल एंड फोटॉन किस सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, ये IBM के द्वारा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर वॉज डेवलप बाय, ट्रांजिस्टर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार वर्डिन एंड सॉकले के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुकमार्क ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो बुकमार्क ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस या F5 होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर टेबल्स फिगर्स आदि के लिए संदर्भ सेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो संदर्भ सेट करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रॉस रेफरेंस ऑटोमेटिक किस रूप में इंसर्ट होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रॉस रेफरेंस ऑटोमेटिक किस में होता है, हाइपर लिंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉट डॉट में पेपर प्लॉटर की सपोर्ट आयताकार सतह पर फैला होता है, उस पर पेन ले जाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट पेड प्लॉटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट पेपर पर ग्राफिक्स खींचने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है जो ड्रम के चारों ओर लिपटा होता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रम प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कोड में संग्रहित जानकारी को पकड़ने और पढ़ने के लिए एक हाथ में इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारकोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का प्राथमिक घटक जो इसे मुख्य बोर्ड या मूल बोर्ड भी कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मदर बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। ओके तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 47 उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी फील्ड नाम के शीर्षक में कोई स्थान होता है जैसे नाम, तो मेल मर्ज दस्तावेज में मर्ज फील्ड क्या करता है, When a field name has a space in its title such as first name, how is the merge field display in the mail merge document? तो right answer क्या हो जाएगा इसका, first name। okay next question, नाम और पते को एक मानक दस्तावेज के साथ संयोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, द एबिलिटी ऑफ कंबाइंड नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, राइट आंसर मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज को पूर्वालोकन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, व्हिच शॉर्टकट यूज टू व्यू प्रीव्यू ए मेल मर्ज, मेल मर्ज को प्रीव्यू करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट exe। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैच फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? बैच फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट bat होता है। ओके, तो थैंक्स फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लाने वाले हैं CPCT के लिए 22 फरवरी 2020 शिफ्ट सेकंड के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।